नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक लैपटॉप यूजर है तो समटाइम आपकी जो कीपैड है वो शॉर्ट कर जाती है या फिर कोई बटन आप प्रेस करते हैं तो वो काम नहीं कर रही होती है। तो दोनों ही केस में आप हमारे इस सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको एक टेक्निकल वीडियो, ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो देखने में मजा आता है तो आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है जिसकी जो कीपैड है वो शॉर्ट कर रही है। फाइंड आउट कैसे करेंगे कि बहुत ही सिंपल है। जब आप कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे और अपने आप कोई भी विंडो, पॉपअप विंडो, एनोइंग विंडो आपको डिस्टर्ब कर रही है, अपने आप जो है टाइपिंग के दौरान या कोई सॉफ्टवेयर के दौरान जो है वो बीच में अपने आप पॉपअप आ रही है, एक चीज़ को आप जरूर गौर करें, वो पॉपअप एरर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि एरर से रिलेटेड भी पॉपअप जो है आपको स्क्रीन पे शो करती है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, हमारा ही वेबसाइट है computicslab.in, जो आप चैनल देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस आर्टिकल के स्टेप को भी फॉलो करें, अपने कीपैड शॉर्टिंग या कीपैड की जो बटन है वो काम नहीं कर रही है उस केस में, क्योंकि यहाँ पर बैटरी डाउन हो रही है। इसको मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर आपको ये URL पे जाने हैं, englishkey-test.ru। इस URL पे जाके, इस लिंक पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कीपैड है वो शॉर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए सर्च रिजल्ट बार बार ओपन हो रही है, सर्च रिजल्ट बार बार ओपन हो रही है, क्योंकि मैं सर्च रिजल्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ और सर्च रिजल्ट बार बार ओपन हो रही है, यानी आपके यहाँ पर देखिए F3 बटन इस साइट के ऊपर पता चल रहा है कि F3 बटन शॉर्ट कर रही है, और जबकि मैं F3 बटन प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ। यानी आप कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं और अपने आप कोई सा भी विंडो बीच में पॉपअप होकर सामने आ रही है, बशर्ते कि वो एरर की विंडो ना हो, क्योंकि एरर विंडो होगी तो वो एक अलग केस हो जाती है। लेकिन बार बार कोई सर्च रिजल्ट का सामने आ जाना, अपने आप जो विंडो की फंक्शंस हैं वो सामने आ जाती है, पर्टिकुलर एक बटन शॉर्ट करती है तो, या आप कोई बटन प्रेस नहीं कर रहे और वो अपने आप टाइप हो रही है, तो ये सभी शॉर्टिंग केस है। और इस शॉर्टिंग केस में आपकी जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो स्लो भी होती है। तो यानी बार बार एनोइंग डिस्टरबेंस जो है वो आपको फील हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो लैपटॉप की कीपैड है वो शॉर्ट हो रही है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस आर्टिकल के स्टेप को फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये स्टेप को फॉलो करें और बाद में रिप्लेस कर ले अपने कीपैड को। थिनर के साथ साथ आपके पास एक लैपटॉप के जो कीपैड होंगे उसको आपको प्रॉपर रूप से ओपन करने हैं। ध्यान रखना है कि अगर आपको कीपैड ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक टेक्निकल पर्सन को पकड़े, उनको कहें और उनके माध्यम से आप अपने कीपैड को जो है ओपन करवाएं, या खुद से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो प्रॉपर रूप से ओपन करें। अलग अलग केस में अलग अलग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है कीपैड को ओपन करने के लिए। यहाँ पर देखिए यही कीपैड की जो केबल है ना, यही कीपैड की जो केबल है वो आपको थीनर या पेट्रोल के माध्यम से साफ करने होते हैं, क्लीन करने होते हैं। कभी कभी कार्बन और डस्ट की वजह से जो भी है आपकी जो कीपैड है वो काम नहीं कर रही होती है या शॉर्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर आपको थीनर या पेट्रोल के माध्यम से जो है इस कीपैड के जो केबल्स हैं इसको प्रॉपर रूप से साफ करने हैं। ज़्यादा मात्रा में कीपैड के ऊपर पेट्रोल और जो है थीनर का इस्तेमाल ना करें, और साथ साथ आप अपने चार्जर को हटा दें, और साथ में बैटरी जो बैटरी होती है लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप में लगी हुई, उसे आप प्रॉपर रूप से हटा दें, और इसे जो केबल है लैपटॉप की जो केबल है इसको प्रॉपर रूप से आपको क्लीन करने हैं। और एक क्लीन करने के बाद आपको एक कॉटन रुई से या कॉटन वाली जो कपड़ा होगी, कॉटन की जो क्लॉथ होगी, उसके द्वारा जो है आप इसको साफ करें। प्रॉपर रूप से केबल को साफ करने के बाद डस्ट प्रूफ जो है, और साथ में ये जो जहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ ना, इस स्लॉट को भी जो है आप प्रॉपर रूप से साफ करें, क्लीन करें ब्रश के माध्यम से, और तब जाके आप इस कीपैड के जो केबल्स हैं उसको आप प्रॉपर रूप से अटैच करें। ध्यान रखें कि कीपैड की जो केबल्स है स्लॉट से आसानी से सॉफ्ट हैंड से उसे हटाएं और फिर उसे लगाएं। इस बात को आपको खासा ध्यान रखने हैं। सब कुछ करते हुए आपको अपने लैपटॉप के अडेप्टर को, लैपटॉप के बैटरी को लगा देने हैं, इंसर्ट कर देने हैं और उस प्रॉपर रूप से, और उसके बाद जो है इसके पीछे जो कवर लगी हुई थी उसको भी आप लगा देने हैं। डिपेंड करती है कि आपकी जो लैपटॉप है HP डेल, IBM किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो प्रॉपर रूप से उसे ओपन करें और जहाँ पर भी शॉर्टिंग की संभावना है उसे कवर कर दें। और यहाँ पर आप जैसे ही लैपटॉप को ऑन करेंगे और बताए गए सॉल्यूशन के माध्यम से आर्टिकल
गूगल पे भी जो सॉल्यूशन लिखी हुई है उसके माध्यम से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको अपने लैपटॉप के जो कीपैड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ब्रांडेड कीपैड के साथ जाएं जो कि मार्केट में आपको 1200 1500 से 2000 के रूप में मिल जाती है। तो यहाँ पर जब मैं लैपटॉप ऑन किया दोबारा से तो बीच में किसी भी तरह की जो है एनोइंग मैसेज सामने नहीं आई है, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि कीपैड को टेस्ट करने के लिए जो हमारी आर्टिकल है computixlab.in, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिसे आप क्लिक कर सकते हैं और उस वेबसाइट को ओपन कर ले, जस्ट जैसे भी हो आप ओपन कर ले बस। और ओपन करने के बाद जब आप उस आर्टिकल के ऊपर जाएंगे, ये कुछ गाइडलाइंस है, इसे आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कीपैड की बटन नहीं काम कर रही है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो आपके कीपैड के बटन्स को ब्लॉक कर देती है, जैसे शार्प की का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये रीमैप भी करती है, अगर एस प्रेस करेंगे तो डी हो जाएगी, डी प्रेस करेंगे तो एम हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ रजिस्ट्री एडिटर के ट्वीक्स हैं जिसके माध्यम से भी जो है कीपैड की बटन ब्लॉक की जा सकती है। की कैप पुलर का यूज करें, मैकेनिकल कीबोर्ड है तो उसे की कैप पुलर के माध्यम से खींचे और डस्ट को क्लीन करें कीपैड के की जो जो आपकी बटन्स है उसके नीचे डस्ट होती है। साथ में जो वीडियो है वीडियो है सबसे नीचे उसको भी आप फॉलो करें, सेम टेक्निक है। तो आप जो इंग्लिश test.ru वाली enkeytest.ru वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे जो F3 बटन पहले प्रेस हो रही थी अपने आप, यानी सॉर्टिंग हो रही थी, ग्रीन कलर से दिख रही थी, वो आप प्रॉपर रूप से साफ जो है क्लीन करने के बाद आपको वो F3 बटन सॉर्टिंग नहीं हो रही है, यानी आपकी जो कीपैड है वो प्रॉपर रूप से अब काम करने लगी है, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो आपको ये सॉल्यूशन अगर काम नहीं आती है तो आपको अपने कीपैड को रिप्लेस करना है, जो कि 1500 से 2000 में आपको ब्रांडेड कीपैड के साथ जाने होंगे और वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।